ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लेंगे। प्रीहीट करने के लिए हम यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एरो पर लगा देंगे तो ये हमारा प्रीहीट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, और ये हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है, और जैसे ही प्रीहीट हो चुका होगा ये लाइट हमारी ऑफ हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए इसे प्रीहीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने केक को हम बेक करेंगे। और ये ओवन अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं ऐसे, और इस केक वाली डिश को इसके अंदर रख देंगे और इसे कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर सेट करने के लिए इस तरीके की नॉब होती है। यहाँ पर टाइम की नॉब नहीं होती है, केवल टेम्परेचर की नॉब होती है, और इस टाइप का वायर से ये अटैचमेंट होता है। बहुत ही पुराना ओवन है, जिसे इलेक्ट्रिक ओवन या इलेक्ट्रिक ओवल ओवन भी कहते हैं। इसमें मिनिमम टेम्परेचर जो है 100 है और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर 220 है। इस ओवन में आप केक, पिज्जा, ब्रेड आसानी से और बहुत ही परफेक्टली बेक कर सकते हैं। बस आपको एक्यूरेट टाइम का टाइम पता होना चाहिए। वैसे प्रीव्यू दिखता रहता है, आपको दिख जाएगा कि कैसे बेक हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ 100 से ये नॉब शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं ये लाइट जल जाती है जैसे ही ऑन होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 220 है। और यहाँ कैसे पता चलेगा, यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसी एरो के सामने आपको जो भी टेम्परेचर है वहां तक लाना होता है। जैसे प्रीहीट मुझे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है इसे, और मुझे बेक भी करना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो 200 टेम्परेचर है हमारा, उसी एरो के ठीक सामने हम ऐसे सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ सेट हो जाएगा। और अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो और भी ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। बीच में लाइट ऑन ऑफ होती रहती है, ये इसलिए क्योंकि जब ओवन का टेम्परेचर उसी के बराबर रहता है, मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो जाता है, तो ये ऑटो कट से ऑफ हो जाता है। और जैसे ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होने लगता है तो फिर से ये ऑटो कट से ये ऑन हो जाता है। ऑन ऑफ प्रोसेस होती रहती है। कभी कभी लगता है ओवन बंद हो गया क्या, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ऑटो कट से चलता है। अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही मेंटेन हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है और ओवन थोड़ी देर के लिए ऑटो कट हो जाता है। और जैसे ही ओवन का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, फिर से ओवन अपने से स्टार्ट हो जाता है, फिर से 200 डिग्री सेंटीग्रेड और जो भी कोई भी टेम्परेचर जो आप लगाते हैं उसको मेंटेन करता है, और फिर से ऑटो कट हो जाता है। तो यानी कि केवल इसमें टेम्परेचर की नॉब है, टाइम की नॉब नहीं है। इसे हैंडल करना बहुत ही आसान होता है, इसे कोई भी हैंडल कर सकता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया है। अब हम इसे 55 से 60 मिनट इस केक को बेक कर लेंगे। तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस ओवन को यूज़ करने के लिए, कि इसमें जो प्रीव्यू है वो आसानी से दिखता रहता है। आप देख सकते हैं कि आपका केक बर्न तो नहीं हो रहा है, और ये बहुत ही स्लोली बेक होता है। और जो भी केक बहुत ही स्लोली बेक होता है वो केक बहुत ही सॉफ्ट तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा केक यहाँ पर अच्छे से बेक हो चुका है, और इसे बेक करने में मुझे 60 मिनट यानी कि एक घंटे का टाइम लगा है, लेकिन ये केक बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं, उसे चेक करते हैं कैसा बेक हुआ है। तो अब हम इस केक को किसी भी टूथपिक की मदद से इसे हम चेक कर देंगे। हमारी टूथपिक यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है।